हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। हिम्मत हारता तो एक मिनट में खत्म हो जाता। 12 घंटे मौत से लड़ता रहा, बोला अगर मैं डरता तो मर जाता। बाड़मेर में कुएं में दबा मजदूर 12 घंटे तक जिंदगी और मौत से लड़ता रहा। देर रात 12:30 बजे उसे बाहर निकाला, अस्पताल पहुंचाया गया। आदम ने बताया कि जब मिट्टी में दबा एक बार कुछ समझ नहीं पाया, लगा मर जाऊंगा, फिर अंदर से हिम्मत आई तो लगा बच जाऊंगा। हिम्मत हार जाता तो एक मिनट में खत्म हो जाता, इसी के सहारे 12 घंटे मौत से लड़ता रहा। उसने बताया कि हम 3 युवक बीते 4 दिन से कुएं खुदाई का काम कर रहे थे। कुएं के 2 फरमे बांध दिए गए थे, गुरुवार को 3रा फरमा बांधने की तैयारी कर रहे थे। एक बार पूरी तरीके से दब गया, लेकिन मेरे भाई अली शेखर खान ने पहले मुंह से फिर कमर तक रेत हटा दी। शुरुआती पहले घंटे में मेरे भाइयों ने अपनी जान पर खेलकर मुझ पर से रेत हटाई। अगर समय पर रेत नहीं हटाई होती तो मेरा दम घुट जाता। मुझे कभी डर नहीं लगा, अगर मैं डर जाता तो मर जाता। मेरे सिर पर मिट्टी आने के बाद भी मैंने हिम्मत नहीं हारी। मन में यही चल रहा था कि या तो मर जाऊंगा या निकल जाऊंगा। हिम्मत हार जाता तो एक मिनट में खत्म हो जाता। करीब 4 घंटे तक मेरे हाथ फ्री हो गए। फिर सेना का बेल्ट लगाकर धीरे धीरे कमर के नीचे से मैंने हाथों से रेत निकाली, लेकिन मेरा एक पैर फंसा हुआ था। इसको हटाना मेरे लिए बहुत मुश्किल था। जिला प्रशासन व आर्मी BSF के लोगों ने बहुत मदद की। प्रशासन ने ऑक्सीजन भेजी, पानी भी भेजा। पानी की वजह से मैं जिंदा रह पाया, 12 घंटे अंदर रहा। भाइयों, प्रशासन, सेना व BSF के लोगों ने मेरा हौसला बढ़ाने के साथ हिम्मत बढ़ाई। आदम खान ने भाई अली शेर खान का कहना है कि आदम खान ने सिर पर 2 फीट तक रेत आ गई थी, मुंह से रेत को हटाकर खुला किया, पानी पिलाया और फिर हाल चाल पूछे तो कहा ठीक हूँ, अब जिंदा बच जाऊंगा। सिर पर पानी गिराया। घर वालों को जिंदा निकलने की उम्मीद नहीं के बराबर थी, क्योंकि 150 फीट गहरे कुएं में दबने वाला अमूमन जिंदा बाहर नहीं निकलते हैं। 8 माह पहले ही शादी हुई थी। PMO डॉक्टर BN मंसूरिया के मुताबिक मजदूर को बचाने के लिए स्वास्थ्य टीम की ओर से मौके पर ही पूरी इमरजेंसी व्यवस्था कर दी गई थी, ऑक्सीजन दी जा रही थी। 10 घंटे के रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद मजदूर को जिंदा बाहर निकाल दिया। प्राथमिक उपचार के बाद मेडिकल कॉलेज में भर्ती किया गया, जहां उसकी हालत खतरे से बाहर है। पैर में मामूली चोट है, इसका इलाज चल रहा है। पुलिस के अनुसार युवक को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन करीब 10 घंटे तक चला। इसके दौरान ऑक्सीजन व पानी भी भेजा गया, पानी नली से पहुंचाया गया, पानी पीने के साथ सिर पर रख दिया गया था, इससे शरीर ठंडा रहा, इसलिए जिंदा रहा। आदम खान के कंधे व हाथ पर पैर व चोट के निशान है। रेस्क्यू ऑपरेशन में प्रशासन, सेना, BSF, सिविल डिफेंस, जोधपुर, SDRF टीम व स्थानीय लोगों ने देसी जुगाड़ करके आदम खान को सुरक्षित बाहर निकाला। जागरूक टीवी के लिए बाड़मेर से ठाकरा मेघवाल की रिपोर्ट।